यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे लास्ट डे रूल सर्वाइवल। फिलहाल अभी मैं अपने एक टीममेट के साथ आ जाता हूँ इजी किल करने के लिए। इजी अपने बेस के ठीक सामने स्पॉन होता है, यानी कि रॉकेट बेस में। अभी पता नहीं गाइस हैकर ऑनलाइन है या नहीं है। हैकर का बेस भी भाई ठीक रॉकेट बेस के सामने की तरफ ही है, और अपना जो बेस है वो रॉकेट बेस के पीछे की तरफ है। हम तो देखो अभी इजी को किल करने के लिए शॉटगन का यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है हैकर को भाई बुलेट वगैरह का आवाज चले जाए उसके पास और वो अपने साथ थर्ड पार्टी कर दे, फिर वो बंदा भाई इजी की लूट वगैरह ले जाए, तो ऐसा हो सकता है। लास्ट टाइम मैं अकेले आके इजी किल कर रहा था और इजी लगभग मैंने किल कर ही दिया था, और लास्ट टाइम पे गाइस हैकर आके मेरे को पीट देता है और इजी का पूरा लूट उठा के ले गया था। एंड आज की वीडियो पे भी गाइस आपको काफी ज्यादा तगड़ा वाला फाइट देखने को मिलने वाला हैकर के साथ अपनी। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाली फाइट हुई थी हैकर के साथ, तो आज की वीडियो पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर से देखना। फिलहाल गाइस अभी हम इजी को दो बंदे मिलकर किल कर रहे, तो ये काफी जल्दी किल हो जाएगा। अगर एक बंदा आके किल करेगा ना इजी को शॉटगन से, तो मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लग जाता है। इसका मतलब दो बंदे का कितना टाइम लगेगा भाई, 5 मिनट लगभग। वैसे तो गाइस देखो इजी किल करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भाई इससे तो पर्पल कार्ड और ऑयल रिफाइनर साथ ही साथ 5 पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। भाई एयर गन तो भूल ही जाओ। पहले के टाइम पे का सीजी से हमें काफी अच्छा खासा लूट मिल जाता था, एयर गन वगैरह भी मिलता था, लेकिन अभी के टाइम पे भाई एयर गन बिल्कुल भी नहीं मिलता। नहीं ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन मिलने की चांस काफी ज्यादा कम होता है, और मेरे को भाई बहुत दिन से एयर गन नहीं मिल रहा है इजी से। तो ओके गाइस, तो फिलहाल यार इजी लगभग किल होने ही वाला है, तो मैं इसके ऊपर गोली चलाना बंद कर देता हूँ ताकि अपना टीममेट किल करे उसको और अपने टीममेट का एक सेफ स्लॉट अनलॉक हो जाएगा। ओके तो इजी देखो यार फाइनली किल हो जाती है, यहाँ पे 5 पॉइंट मिल जाता है, पर्पल कार्ड मिलता है, और ये कुछ भाई कंपोनेंट्स वगैरह मैचिटी भी मिल जाती है, और ये सब कुछ सामान भाई। तो ऐसे ही गाइस आजकल लूट मिलता है यार, हर बार सेम ही लूट मिलता है इजी से। तो वो 5 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी मिला है, चलो नाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का जरूरत है हमको। अभी देखो अपना बेस देखने में कुछ इस टाइप से आया, हम काफी जल्दी अपना मेन बेस को भी बना लेंगे। जैसे ही सर्वर का 200 घंटा हो जाएगा ना, तब गाइस मैं अपने मेन बेस को बना लूंगा। फिलहाल गाइस इजी को किल करते ही रॉकेट बेस पे आ जाता है भाई हेली, तो अभी भाई हम लोग हेली को भी किल करने वाले। मैंने अपने टीममेट से थोड़ा बहुत एमो वगैरह ले लिए, बट इतने एमो में तो भाई हेली किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हेली को किल करने के लिए लगभग हमको 2000 एमो तो चाहिए ही होगा, तो शायद से अपना टीममेट अभी भी एमो वगैरह क्राफ्ट कर रहा होगा। खैर भाई जितना एमो क्राफ्ट हुआ है इतने में मैं सबसे पहले हेली को फोड़ने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। अपना बेस रॉकेट बेस से बिल्कुल चिपका हुआ है, जिसके कारण हमको हेली फोड़ने में काफी ज्यादा आसानी हो रहा है। वैसे तो गाइस यार हेली फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिक्कत की बात यही है कि कोई थर्ड पार्टी वगैरह ना कर दे पीछे से। मान लो इधर मैं भाई हेली के ऊपर गोली चला रहा हूँ, अभी आप देख ही सकते हो मेरा पूरा का पूरा फोकस हेली के ऊपर ही है, और उधर पीछे से आके मेरे को कोई टपका दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो बस टैंक फोड़ने से ज्यादा इजी हेली फोड़ना ही लगता है, क्योंकि टैंक जब बजूका मारता है ना, तब भाई उसका बजूका काफी ज्यादा स्पीड में आके आपके मुंह पे चिपक जाता है। लेकिन जब हेली बजूका वगैरह मारता है तब उसका बजूका काफी स्लोली स्लोली आता है, तब तक तो आप हट भी जाओगे, वो इजीली दिख जाता है। यहाँ पे यार ये पैर मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है भाई, हेली दिख भी नहीं रहा। हम लोग गाइस सोच रहे हैं कि ना हेली को ना अपने घर के ऊपर ही फोड़ डाले, तो सबसे पहले ना मैं इधर थोड़ा डैमेज वगैरह कर देते हैं, जैसे भाई इसका एचपी काफी लो हो जाएगा तब इसको ना पूरा अपने बेस के छत पे लैंड करा देंगे, मतलब बेस के छत पे ले आएंगे, ले आकर वहीं पे फोड़ डालेंगे, फिर अपने बेस के छत पे ये गिर जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा बंदा आ गया तो अपने हेली का लूट नहीं उठा पाएगा कम से कम, क्योंकि जब गाइस हम ऐसे खुले मैदान पे अपने हेली को फोड़ देते ना, तब काफी सारे बंदे वगैरह आ जाते हैं लूट वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि हेली फूटते ही बंदे लोगों को पता लग जाता है कि हेली फूट गया है। खैर यहाँ पे दूसरे बंदों से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत बस एक ही बंदे का है जो कि हैकर का। ऊपर से भाई हैकर तो अपना परों से ही निकला, यानी कि अपने बेस के बाजू पे ही रहता है, रॉकेट बेस की ठीक सामने की तरफ ही। फिलहाल गाइस आप लोग देख ही सकते हो हेली का जो एचपी काफी ज्यादा हम लोगों ने डाउन तो कर दिया है, ये बस फूटने ही वाला है। लेकिन गाइस हेली फूटने से पहले मेरा गन ही फूट गया। अभी मैं फटाफट से पहुंचता हूँ अपने बेस के अंदर, जाके कोई दूसरा गन ले आते फिर उससे फोड़ेंगे ना। यहाँ पे मैं थोड़ा रिपोर्ट वगैरह चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई बंदा आ तो नहीं गया ना। तो यहाँ पे रिपोर्ट पे तो यार भाई कोई भी बंदे का नाम शो नहीं हो रहा था। हो सकता है कि हेली फूटने के बाद बंदे लोग आए, क्योंकि ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि फूटने के बाद ही बंदे वगैरह आते, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हम हेली को फोड़ेंगे इधर साइड में लग, यानी कि रॉकेट बेस के अंदर ही हेली को नहीं फोड़ने वाले। तो साइड में लाने से क्या होगा, चाहे अपने बेस के छत पे ना भी गिरे फिर भी चलेगा, हम बस उसकी हेली के बाजू पे एक ऑटो कैनन प्लेस कर देंगे, फिर देखते हैं भाई कौन आके लूट उठाता है अपना। फिलहाल तो गाइस देखो यार अपने पास कोई भी चीजों की कमी नहीं है, जितने भी बेसिक सामान होता है जो भी इंपॉर्टेंट
होता है सर्वाइव करने के लिए सारे के सारे सामान है, बस कुछ एडवांस लेवल की सामान नहीं है, जैसे कि भाई टाइटेनियम की आर्मर हो गया, उसके बाद डीप रिफाइनर फिर भी मिल ही जाएगा टैंक को किल करने से। बट एक सबसे ज्यादा एडवांस चीज होता है जिसका नाम है साइक्लोनाइट, जो कि हमको हेली से ही मिलने की चांस ज्यादा रहता है। देखते हैं इस बार हमको मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिलता तो दोबारा से हेली वगैरह किल करेंगे। देखते हैं इस बार तो भाई साइक्लोनाइट ढूंढने की पूरी कोशिश रहेगा। फिलहाल गाइस हेली की एचपी बिल्कुल लो हो चुका है, ये कुछ ही सेकंड पे टूट जाएगा। ओके गाइस, तो हेली गाइस मैंने फोड़ दिया है, अभी हेली ना थोड़ा सा साइड पे गिरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम उसको पैक कर देते हैं वुड वगैरह फार्म करके, या फिर वहाँ पे ऑटो कैनन प्लेस कर देंगे। सबसे पहले पैक कर दे, उसके बाद भाई ऑटो कैनन भी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दो ट्रीज वगैरह कट कर लेता हूँ, अपना टीममेट भी उधर ट्रीज वगैरह कट कर रहा है थोड़ा सा, और अभी देखो गाइस यहाँ पे होने वाला है गलत सीन। तो अपने टीममेट की उस साइड पे भाई आ जाती है बंदे, दो दो बंदे, और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है हैकरी। ये नहीं है, ये तो भाई बॉट है। ये देखो भाई, ये सामने की तरफ से गोली चला, मेरे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, और मैं सीधा गाइस भागने लगता हूँ अपने बेस की तरफ, क्योंकि अपने बेस के ऊपर देखो भाई पीपी एरिया बना हुआ है। तो मैं सोचता हूँ चलो क्यों ना पीपी एरिया पे ही चलते हैं, और वही से मैं एनिमी लोगों को डाउन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी यार ये लोग हैकर है, तो इनसे संभाल के ही रहना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड ये कोई और हैकर नहीं, असल में अपना पड़ोसी वाला हैकर ही है, जो कि अपने बेस के ठीक सामने की तरफ ही रहता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबसे पहले खुद को हील अप कर लेता हूँ, भाई काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था ये हैकर लोगों ने। तो ये हैकर लोग आपके सामने की तरफ देखो कुछ टावर वगैरह शायद से बनाने की कोशिश तो कर रहा है, मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट बुलेट चिपकता नहीं भाई। इनका कैबिनेट तोड़ दूँ क्या? बट तोड़ के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टूटेगा नहीं, वो बस डैमेज हो जाएगा थोड़ा। एंड यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना बजुका से भी फाइट लिया जाए, अपने पास बजुका तो पड़ा हुआ है, हालांकि मैंने इसका रेसिपी नहीं निकाला, कोई बात नहीं भाई, बजुका तीन चार पड़ा हुआ है। वैसे भी मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ जो अपनी बजुका लॉस होगा, मैं तो भाई अंदर से ही फाइट लेने वाला हूँ, अगर किल भी हो जाऊंगा तो भी लूट नहीं जाने वाला। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को क्या देता हूँ बाहर एक ऑटो कैनन प्लेस करने के लिए, अपने टीममेट ने शायद से अभी तक तो ऑटो कैनन प्लेस कर दिया होगा। हाँ ऑटो कैनन नहीं था अपने पास, ऑटोमेटिक राइफल डिवाइस ही प्लेस कर दिया, कोई बात नहीं भाई उससे भी अपना काम बन जाएगा। फिलहाल भाई मैं इधर से थोड़ा पीपी लेने की कोशिश करता हूँ। हेली पे तो देखो अभी भी आग लगी हुई है, तो उसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे एक बजुका चला देता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा नॉकडाउन नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैं अपना अभी तो गन निकाल लेता हूँ, जैसे वो मुंडी दिखागा ना सीधा उसके मुंडी पे गोली मार दूंगा। अपना एक टीममेट बाहर भी है, वैसे हम अभी दो लोग ही ऑनलाइन थे, तो मेरा टीममेट बाहर है, हेली ठंडा होने का वेट कर रहा है, जैसे ही ठंडा होगा लूट वगैरह उठा लेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं बैठा हुआ था, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया था और बंदे ने मेरे को डाउन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना लूट सेफ है भाई। छत पे वो भला कैसे आएगा, ग्लाइडर थोड़ी होगा ग्लोबल पे, और अगर होगा भी तो मेरे छत पे भी मैंने उसके लिए ऑटो कैनन वगैरह लगा के रखा है, तो उसका भी इंतजाम है भाई, लूट कहीं नहीं जाने वाला। फिलहाल मैंने अपना लूट वगैरह तो उठा लिया, अभी देखते भाई इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं, और अपने टीममेट को भी यहाँ से हम कवर देने वाले। ये हैकर लोगों का रैम थोड़ा ज्यादा हाइट का है, इसीलिए भाई उन लोगों के पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, तो मैंने भी यार अपने रैम को थोड़ा सा और हाइट का बना लिया, अभी यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है, तो इसका मुंडी दिखता है, मैं सीधा गोली चला के उसको डाउन तो कर देता हूँ, बट उसका लूट हम नहीं ले सकते। यहाँ से ये कौन आया भाई, एनिमी है क्या? आई थिंक बॉट है भाई ये तो। अभी कुछ लोगों के मन पे ये सवाल आएगा कि भाई मैं हैकर को आखिर कैसे डाउन कर सकता हूँ। असल में गाइस ये जो हैकर है ना, ये बस दीवार के आर पर ही गोली वगैरह चला सकता है, यानी कि हम जो दीवार बिल्ड करेंगे उस दीवार के आर पर नहीं भाई, जो गेम की दीवार होती है इन बिल्ड, जैसे कि मान लो रॉकेट बेस की सारी दीवार वगैरह हो गया, कोई बड़ा पत्थर वगैरह हो गया, तो बस ये इसी का भाई आर पार जा सकता है और इसी के आर पार गोली वगैरह मार सकता है। कुछ तो यार काफी ज्यादा खतरनाक हैकर भी आते, तो अलग अलग हैकर का भाई अलग अलग स्पेशल पावर होता है। फिलहाल यहाँ पे भाई मैं बैठा हुआ हूँ, और अपने टीममेट भी बिल्कुल ठीक नीचे ही है, उनके बेस के नीचे ही है यार वो, तो कहीं उसको ना टपका दे। एक बार वैसे भी यार अपने टीममेट को उन्होंने टपका दिया था और उसकी गन वगैरह उठा लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे भाई उसकी गन को वापस लाने की। फिलहाल यहाँ पे ना मेरे ऊपर कुछ बुलेट वगैरह चला था, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आखिरकार बंदा किस साइड से बुलेट चलाया, मुझे लगा कि शायद से पीछे की साइड पे चला गया हो, तो इसीलिए मैं उस साइड पे जाके देख के आया, लेकिन उधर तो कोई भी नहीं था, आई थिंक सामने से ही बुलेट चलाया होगा। फिलहाल गाइस अभी हेली ठंडा हो चुका है, तो मैं अपने टीममेट को कह देता हूँ भाई जल्दी से लूट उठा के भागने का। अपने टीममेट आके लूट उठा रहा था, और तभी भाई जो एनिमी लोग था वो पूरा छलांग लगा के नीचे आ जाता है, नीचे आके अपने टीममेट को मार रहा था, और मैं बजुका निकाल के सीधा उसके मुंह पे चला देता हूँ, और बंदा सीधा डाउन भी हो जाता है। चलो भाई अभी भाई हेली का लूट तो सारा का सारा आ गया, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि आखिरकार हमको हेली से क्या क्या मिला। फिलहाल गाइस अभी हम कोशिश करते हैं जिस बंदे को मैंने डाउन किया ना बाहर उसकी लूट उठाने का, लेकिन उससे पहले मैं अपने बजुका वगैरह को सेव करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी लूट उठाने के चक्कर में मैं भी जाके किल हो जाऊं और उल्टा अपना लॉस हो जाए। बट गाइस यहाँ पे हमने लूट रखने में काफी ज्यादा टाइम ले लिया, जिसके कारण भाई अब तक तो वो बंदे ने खुद का लूट उठा भी लिया होगा, तो कोई बात नहीं, फिर से भाई हम लोग इससे पीपी लेने की कोशिश करते। ये देखो बंदा मुंडी दिखाया, मैंने इसको इधर से डाउन कर दिया,
अभी देखते भाई कब तक ये लोग अपने साथ पीपी वगैरह लेते हैं। अपने टीममेट कह रहा था कि इनके बीच में रेड कर देते, तो चलो भाई मैं ना थोड़ा सा बम लेके आता हूँ, हाइड्रम बम, जो कि अपने पास पड़ा होगा शायद से 10-15। तो आई थिंक तो 3-4 बम से ही एक वुड का वॉल वगैरह टूट जाती है। ओके गाइस, तो मैंने अपने टीममेट को भाई बम निकाल के दे दिया था 5 बम, और मेरे पास भी 5 बम है। अपने टीममेट ने जाके भाई सीधा ही वॉल तोड़ देता है, मैं इसको पीछे से कवर दे रहा था, और अभी भाई अपने टीममेट को बंदे लोगों ने डाउन कर दिया। और फिर 2 बंदा है, तो भाई देखते हैं, मैं यहाँ पे आके कवर ले लेता हूँ। बंदा जैसे ही मुंडी दिखाएगा, मैं सोच रहा था यहाँ से उसको डाउन कर दूंगा, लेकिन बंदा मुंडी दिखाने का राजी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे बंदा ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरे को पता लग जाता है, और मैंने उसको सीधा भाई डाउन कर दिया, लेकिन बंदे ने मेरा हेल्थ का बिल्कुल बैंड बजा देता है। भाई अब देख पा रहा हूँ मैं कितने हेल्थ पे बचा हूँ, एक गोली का भी जान नहीं है अभी मेरे अंदर, बस 5 ही हेल्थ बचा है मेरे पास। तो मैं आ जाता भाई सीधा अपने बेस के अंदर हीलिंग करने के लिए, अगर बाहर होता तो मैं किल हो जाता, फिर भाई अपने लूट भी चला जाता। तो मैं सबसे पहले हिल अप कर लेता हूँ, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे। ओके गाइस, तो अभी जो है ना, मैं हीलिंग करके बाहर आते आते अपने टीममेट ने उन बंदे को डाउन कर दिया था, और उनका लूट वगैरह भी आ चुका है अपने पास। सबसे पहले चलते हैं अपने बेस के अंदर, उसके बाद ही गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास क्या क्या लूट आया है। भाई काफी ज्यादा तगड़ा वाला लूट मिला है इनसे तो हमको, तो ये दरवाजा किया मैंने बंद। चलो भाई अभी लूट वगैरह ड्रॉप करके दिखा दो हमको भी क्या क्या लूट आखिर मिला है। ओके, M4 मिल चुका है हमको गाइस इनसे, AKM भी मिल चुका है, टोटल गाइस इनसे हमको 4 AR gun मिल जाती है, 1 M4 और 3 AKM। बाकी स्टील का आर्मर वगैरह भी मिला है, अपने पास स्टील का पूरा सेट तो था सिवाय पैंट का, जो कि गाइस अभी हमको इनसे पैंट भी मिल गया है। मैं अभी पैंट का भी रेसिपी निकाल लूंगा, और साथ ही साथ गाइस अपने पास अभी 4X भी आ चुका है इन्हीं हैकरों से। तो ये लोग तो यार थर्ड पार्टी करने आके अपना ही हेल्प करके चला गया। चलो भाई सही है, इसी टाइप से थर्ड पार्टी करने आओ और आओ और सामान देके चले जाओ। और गाइस अपना जो हेली का सामान मिला था वो इसी बॉक्स के अंदर रखा है। हाँ ऑब्वियसली पूरा सामान तो हेली से नहीं मिला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर यार क्या क्या मिला है हेली से। हेली से गाइस हमको 5 पॉइंट मिल जाती है, एक बैठ के चलाने वाली गन मिल जाती है जिसको हम अपने बेस के छत पे लगा सकते हैं, एक लुइस गन भी मिल जाती है, 1-2 शायद से हैंडमेड भी मिला था, और 1000 GP, साथ में 20 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। हेली से वैसे ठीक ठाक सही लूट मिल जाती है, लेकिन गाइस इन सब लूट का हमें ना नीट नहीं था, हमको नीट था बस सैक्लोनाइट वगैरह का, जो कि नहीं मिलता है। खैर सैक्लोनाइट ढूंढना उतना आसान भी नहीं होता है, उसको ढूंढने के लिए हमको काफ़ी सारे हेली वगैरह फोड़ना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हम लोग ऑफलाइन चले गए थे, फिर जब ऑनलाइन आते थोड़ी देर बाद, तब भाई मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। हम लोगों ने हैकर को मार के लूट ले लिया था, जिसके कारण भाई हैकर गुस्से में आके अपने बेस में रेड मार देता है। भाई इस टाइम पे कौन भला रेड मारता है, वो भी आयरन के बेस में। भाई आयरन छोड़ो, बंदे ने स्टील की डोर वगैरह तक नहीं छोड़ा, पूरा रेड मार चुका है गाइस अपने बेस में। एंड इस रेड के कारण भाई सच्ची में अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, 50% से भी ज़्यादा लूट अपना गिर जाता है। अभी पता नहीं गाइस इस टाइम पे रेड करने में कितना परसेंट लूट गिरता है कितना नहीं गिरता, मैंने सुना था 20% लूट गिरता है, बट मेरे बेस का यार 50% लूट गिर जाता है। ऊपर से अपने बेस का कुछ कुछ चेस्ट पे ना 500 भी नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण वो सारे चेस्ट तो पूरा ही खाली हो जाती है। इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि भाई पूरा रेड करने के बाद भी ये लोग अपने बेस को छोड़ के नहीं जाते, ऐसे फालतू में बम वगैरह लगा जा रहा था, ऊपर से हम लोगों को भी कूट रहा था। एंड गाइस अपने पास पहले 12 से 13 एयरगन था, और इस रेड के बाद अपने पास सिर्फ 2-3 एयरगन बचा हुआ था। भाई पूरा गया, मान लो जितने भी महंगे सामान था सारे के सारा सामान चला गया है। 4-5 बजूगा भी था भाई, जिनमें से एक भी बजूगा नहीं बचा हुआ था, सारे बजूगा ही गिर गया था। वो तो अच्छी बात है, मैंने 2 लेजेंडरी चीज़ों का पहले ही रेसिपी निकाल लिया था, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूडेंट और दूसरा है टाइटेनियम बूट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूडेंट भाई काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, तो उसका मैंने रेसिपी निकाल के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया, वरना अगर उसका रेसिपी नहीं निकाला होता ना तो हो सकता था भाई वो भी गिर जाता। लेकिन जो भी हो यार, इस रेट के कारण अपना हद से ज़्यादा लॉस हो जाता है, बट फिर भी गाइस हम लोग ये सर्वर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हम दोबारा से ग्राइंडिंग करेंगे और इन हैकरों से बदला ज़रूर लेंगे। फिलहाल देखो यार, इन्होंने रेड तो कर दिया, लूट भी उठा लिया, बट ये लोग फिर भी अपने बेस छोड़ के जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। भाई पता नहीं यार इनको हमें मार के क्या ही मजा आ रहा था, कुछ मिलता भी नहीं था, और हम लोग यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें गन उठाने का मौका ही नहीं दे रहा ये लोग कि हम लोग जाके गन उठाए उसके बाद भाई इनसे फाइट ले, गन ही नहीं है अपने पास। फिलहाल मैंने एक ऑटो कैनन देखो उनके मुंह के सामने प्लेस तो कर दिया, बट अपना ऑटो कैनन भी भाई देखो अभी क्या, भाई उस ऑटो कैनन के सामने बंदा बैठा हुआ है बट ये गोली ही नहीं चला रहा, क्या दोस्ती कर लिया क्या अपने ऑटो कैनन के साथ। ऑल राइट गाइस, तो यार हम लोग जैसे जैसे अपने बेस को तो रिपेयर कर लेते थोड़ा बहुत, बस वो लोग अंदर तक ना आ पाए इतना ही। तो अभी तक तो देखो पूरा रिपेयर नहीं हो पाया, बस वो लोग अभी हमें मार नहीं सकते।
यार ये लोग तो हमको कैबिनेट के पास में पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहा था। जैसे ही आ रहे थे तुरंत किल कर दे रहा था, लेकिन गाइस उसके बाद अपना 2-3 टीममेट और ऑनलाइन आ जाते हैं। फिर तो यार किसी ने ध्यान भटकाया उनका और किसी ने आके रिपेयर कर दिया। मैंने गाइस उन लोगों का ध्यान भटकाया और अपने टीममेट ने आके थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया, जिसके कारण अभी हम सेफ है। भाई हम सेफ होकर क्या करेंगे, अपना बेस का जितना लूट जाना था वो तो पहले ही चला गया था। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी हम दोबारा से ग्राइंडिंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे और सर्वर जीतने की भी कोशिश अपना फुल रहेगा। और अच्छी बात ये है कि अपना जो दो लॉन्चर था वो नहीं गिरा। भाई लॉन्चर सच में काफी ज्यादा रेयरली मिलता है, वो मिलने का नाम ही नहीं लेता। दो ही मिला था हमको पहले की टाइम पे। लॉन्चर से ही गाइस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूरेंट को बना सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूरेंट सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम उसको बेस में नहीं लगाएंगे फिर कोई फायदा नहीं। फिलहाल गाइस अपना हालत इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि हम लोग अपने बेस को पूरा रिपेयर भी नहीं कर सकते। भाई ना ही तो अपने पास क्लोथ है रिपेयर करने के लिए, ना ही तो आयरन है। आयरन बस थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है, 1-2 घंटे का बस मेंटेनेंस पड़ा है अपने कैबिनेट पे। बताओ यार भाई कुछ भी नहीं बचा यार। वैसे कैबिनेट पे तो लॉक लगा हुआ है, सारे पॉइंट बच गया, बट बहुत कुछ गिर गया है। अभी हमको आयरन वगैरह फार्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही गाइस हम अपने बेस को रिपेयर कर पाएंगे। ये हेली किल करना तो गाइस हमको कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। उसके बाद गाइस हम लोग रिपेयर करते हैं अपने बेस को और दोबारा से लग जाते हैं अपने काम पे। रूम वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं रॉकेट बेस का पर्पल रूम, जिसके अंदर से हमको काफी अच्छा खासा सामान तो मिल जाती है। एयर गन वगैरह भी मिलता है यहाँ से, और भी कुछ काफी अच्छा खासा कंपोनेंट मिलता है। जैसे कि भाई आप लोगों को पता ही है आजकल भाई पर्पल रूम पे काफी अच्छा लूट मिलता है हम लोगों को, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। चलो अभी यहाँ से निकलते और चलते कोई दूसरा रूम पे। हमने अपना गाड़ी भी बना लिया है, वैसे ये ऑलरेडी हमने पहले ही बनाया था रेड होने से पहले, आप लोगों ने शायद से देखा होगा। आई थिंक गाइस हैकर को नहीं पता था कि हमने अपने गाड़ी को कहाँ पे छुपा के रखा है, वरना अगर उसको पता होता ना तो अपना गाड़ी भी हो फोड़ के ही जाता। यही है गाइस वो हैकर का बेस जो कि अपने हाथ से अभी बिल्कुल भी नहीं बच सकता। हाँ अभी के लिए इसको छोड़ देंगे, जैसे ही 70 आवर्स का रेड टाइम स्टार्ट होगा तब हम इसके बेस में रेड करके इसको सर्वर से ही सीधा भगा देंगे। फिलहाल गाइस अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के पर्पल रूम पे, और मैंने इसके जनरेटर पर रेजिस्टेंट डाल दिया थोड़ा सा। रूम को ओपन करते हैं और देखते हैं हमको यहाँ से क्या मिलता है। एमओ चेस्ट हो रहा है और ये रहा एडीबी एमओ चेस्ट। एडीबी एमओ चेस्ट से गाइस हमको गन वगैरह मिल जाती है, साथ ही साथ स्टील का भी आर्मर का सेट वगैरह कुछ मिलती है। ओके तो यहाँ पे एडीबी सप्लाई चेस्ट है जिससे हमें लास्ट फर्नेस और कुछ गियर वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे एक आयरन का चेस्ट प्लेट भी है, मैं इसको उठाना चाह रहा हूँ, अपना बैग फुल है, कुछ तो फालतू सामान मेरे को फेंकना पड़ेगा। ये सीरीज फेंक देता हूँ, आज तक यार मैंने उसको कभी भी यूज़ नहीं किया। उससे कहीं सीरीज वगैरह शायद से बनता होगा, बट मैंने आज तक कभी सीरीज का ना ही तो रेसिपी निकाला ना ही उसको क्राफ्ट किया। रूम का हमने पूरा लूट उठा ही लिया है, तो अभी चलो ऐसे निकलते हैं और चलते कोई दूसरे जगह पे। एयरपोर्ट को लूटने के बाद गाइस हम लोग और कहीं पे भी नहीं जाके सीधा पहुंच जाते हैं अपने बेस में, क्योंकि अपना जो बैकपैक है वो पूरा का पूरा फुल हो चुकी है। तो भाई कहीं पे जाके हम लोग भला कहाँ पे लेंगे सामान। तो सबसे पहले भाई हम अपना बैकपैक को खाली करते हैं। यहाँ पे ऑयल रिफाइनर पे हमने भाई काफ़ी सारे क्रूड ऑयल रिफाइन होने के लिए डाले थे, तो वो रिफाइन हो रहा है अभी भी, कुछ तो रिफाइन हो भी चुका है। फिलहाल हम सबसे पहले अपना बैकपैक को जल्दी जल्दी खाली करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अबे गाइस मैं आ चुका हूँ रॉकेट बेस पे, और ये क्लिप शायद से अपडेट की बात का है, और जो पहले क्लिप था इससे वो था अपडेट की पहले का। और अभी देखो गाइस अपडेट के कारण अपनी जो रॉकेट बेस का रूम लोकेशन है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले अपने रॉकेट बेस पे तीनों के तीनों रूम हुआ करता था, पर्पल ब्लू एंड ग्रीन भी, लेकिन अभी के टाइम पे गाइस अपने रॉकेट बेस पे सिर्फ दो टाइप का रूम है, दो है ग्रीन रूम और एक है पर्पल रूम। कोई बात नहीं यार, ऐसे ही होता है हर एक सर्वर पे, ज़्यादा टाइम तो काफ़ी ज़्यादा कम ही चांस होता है कि तीनों की तीनों रूम हो। और गाइस ये रूम वगैरह ना ऐसे चेंज होते रहते, छोटे मोटे अपडेट पे चेंज हो जाता है, या फिर अपडेट ना भी आए ना फिर भी चेंज होते रहते, ये मत समझना कि भाई परमानेंट है। खैर मैं अभी ये ग्रीन रूम ओपन कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर पहले पर्पल रूम हुआ करता था जो कि अभी दूसरी साइड चला गया है रॉकेट बेस का। कोई बात नहीं, दूसरी साइड चल के पर्पल को भी ओपन कर लेंगे। फिलहाल ये ओपन कर लेते, ओपन तो कर लिया, बस लूट लेते। तो क्या क्या लूट मिलता है भाई, यही सब कुछ बेसिक से सामान वगैरह मिल जाते, उठा लेते। वैसे ही अपनी भाई अभी गरीबी चल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत लूट गाइस ऑलरेडी आ चुका है अपने पास, बट उतने में तो यार काम अपना नहीं बनने वाला। भाई अगर अपने पास पहले की लूट होता और अब की लूट होता तो बहुत ज़्यादा लूट हो जाता यार, लेकिन क्या कर सकते यार, पहले की लूट तो चला गया था। खैर अभी मैं आ चुका हूँ रॉकेट बेस की दूसरी साइड पे। इस स्प्लिट मॉन्स्टर को किल करते, स्प्लिट मॉन्स्टर से भाई काफ़ी अच्छा खासा हमको कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाती है। भाई इससे ना कभी कभी हमको एनर्जी का आर्मर का सेट भी मिलता है, तो इससे भाई इस बार कुछ ज़्यादा खास कंपोनेंट्स नहीं मिला। कभी कभी गाइस बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो बस ऐसा चलता रहता है यार। तो हमेशा किल करते रहो, इसी से कंपोनेंट्स मिलता है आजकल तो।
तो इस वाले ज़ॉम्बी को मैं किल कर देता हूँ। यहाँ पे एक शायद ग्रीन रूम है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ग्रीन रूम के अंदर ब्लू कार्ड है क्या? वैसे ब्लू कार्ड की जरूरत नहीं है भाई, ब्लू कार्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है अपने पास, बट फिर भी ओपन कर लेते हैं भाई। ब्लू कार्ड के लिए नहीं, बस ऐसे कंपोनेंट्स वगैरह के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस डाल देता हूँ और ओपन करते हैं अभी चल के। अपना टीममेट भी यहाँ पे आ चुका है, चलो सही है। चलो भाई फोर हो जल्दी जल्दी। ओ ब्लू कार्ड भी है भाई, नाइस। चलो ब्लू कार्ड शायद से अपने टीममेट ने तो उठा लिया, बढ़िया। यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह उठा लेते हैं, कुछ बोन का आर्मर भी मिल जाती है। बोन का आर्मर का हर बार मिलता है ग्रीन रूम से, तो नहीं कभी कभी आयरन का आर्मर भी मिलता है ग्रीन रूम से भी, और कभी कभी गाइस ग्रीन रूम से आपको हैंडमेड सी4 भी मिल जाती है। एंड गाइस एक काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है कि हैकर को जो बेस है ना, वो शायद से मेंटेनेंस के कारण पूरा बेस ही गिर गया है। यही पे देखो, इसी जगह पे हैकर का बेस था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था पहले भी, बट अभी नहीं है। आई थिंक गाइस गेम पे जो अपडेट आया था उसके बाद मेंटेनेंस पे चला गया था सर्वर काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, और तभी हो सकता है भाई उसका बेस गिर गया होगा। एक सर्वर पे मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मैंने कैबिनेट पे मेंटेनेंस थोड़ा कम डाला था, उसके बाद सर्वर चला गया था भाई पूरे के पूरे 12 घंटे के लिए मेंटेनेंस पे। उसके बाद जब सर्वर अनलॉक हुआ फिर मेरा बेस नहीं बचा। आई थिंक हैकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा इस बार। अपने लिए सैड न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि भाई उसका बेस मेरे को रेड करना था। चलो कोई बात नहीं, अभी गाइस देखो ये हैकर तो चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सर्वर पे अपना कोई टक्कर नहीं दे सकता। भाई सर्वर पे अभी भी काफ़ी सारे हैकर भरा हुआ है, बस यही हैकर हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा था क्योंकि ये हैकर अपने घर के बाजू पे ही रहता था, और जो बाकी हैकर है ना वो मैप की दूसरी साइड पे रहता है, जिसके कारण हमको उतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन हाँ ड्रॉप वगैरह पे दिक्कत होता है क्योंकि ड्रॉप पे तो भाई सारे के सारे बंदे ही आ जाते हैं। तो ड्रॉप वगैरह हम लोग नहीं लूट सकते, हम लोग बस सोच रहे कि रूम वगैरह करेंगे भाई, उसके बाद बम वगैरह बनाएंगे, फिर हैकरों का बेस रेड कर देंगे, ऑफलाइन रेड करेंगे जब हैकर ऑफलाइन जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन रेड हैकर के बेस में करना इम्पॉसिबल है भाई। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ पे ब्लू रूम है, ब्लू रूम को हम ओपन कर लेते हैं। पहले तो गाइस एयरपोर्ट पे ब्लू रूम नहीं था, अपडेट के बाद यहाँ पे ब्लू रूम डाल दिया गया, चलो बढ़िया है। यहाँ से मेरे को थोड़ा कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड गाइस अभी ना गेम पे कुछ नई नई आइटम भी ऐड हो गया अपडेट के बाद, उनमें से एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि पहले जो हम लोग हेली को रखते थे ना अपने बेस में, तब यह तो कोई भाई ऐसे ओपन नहीं रख देता था बेस की छत पे, तो उस टाइप से रखने पे क्या होता है कि कोई एनिमी आता है ग्लाइडर से उनके हेली पे जाता है, सीधा हेली लेके भाग जाता है, या तो फिर कोई कोई तो यार बेस के छत पे एक रूम बना के उसी के अंदर हेली को रख के पैक करके रख देते थे, और जब हेली को निकालना होता है तब सीलिंग तोड़ के निकाला जाता था, और जब भाई दोबारा डालना होता है तो सीलिंग दोबारा से लगाओ। तो इस टाइप से थोड़ा झमेला वाला सीन होता है, थोड़ा बहुत अपना सामान भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ का इलाज गाइस अभी अपने गेम पे ऐड हो चुका है। ये देखो, ये है एक टाइप का रूफ जो कि एक डोर की तरह कह सकते हो, ये आपकी सीलिंग पे लग जाएगा, और इसको चलाने के लिए आपको जनरेटर का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डोर है। तो भाई आप जब भी हेली को अपना अंदर करना चाहो इसको बस खोल दो, ये डोर की तरह खुल जाएगा छत अपना, उसके बाद हेली अंदर कर दो फिर बंद कर दो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही सीन होगा। मैंने अभी तक गाइस ट्राई तो नहीं किया, मैंने भाई बता तो दिया, पता चले ये काम नहीं करे तो मैं भाई बाद में ट्राई कर लूँगा, अभी बस मेरे को ये लगा तो मैंने बता दिया। खैर अभी गाइस मैं चलता हूँ पर्पल रूम के पास, देखते हैं पर्पल रूम पे हमको लूट मिलता है कि नहीं। पर्पल रूम पे तो गाइस लूट बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे अपने एक टीममेट आ जाते हैं एयरपोर्ट के ठीक बाजू पे ही, और उसके पास में एक दूसरा बंदा भी है, तो हम लोग आ जाते हैं उस दूसरे बंदे को किल करने के लिए। यहाँ पे देखो उस बंदे के साथ अपने टीममेट का फाइट चल रहा है, तो मैं जैसे ही आता हूँ बंदा सीधा उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अभी गाइस हम इसकी गाड़ी भी फोड़ने वाले इसके साथ साथ, ये गाइस हम लोगों का गाड़ी नहीं है, उसी एनिमी का ही गाड़ी है, तो इसको फोड़ के देखते हैं इसके पास कोई गन वगैरह हमको मिलता है कि नहीं। वैसे तो गाइस इसके पास M4 था और शायद से आर्मर वगैरह भी अच्छा खासा ही मिलेगा। तो गाइस बंदे को तो हमने किल कर दिया। ओ भाई इससे गाइस हमको यार काफी अच्छा खासा लूट मिल जाती है, टाइटेनियम का पैंट मिल जाता है टाइटेनियम का, साथ ही साथ M4 वगैरह भी मिलता है, बहुत सही लूट मिल जाता है गाइस हमको इससे, और स्टील का एक्स भी मिलता है। स्टील का एक्स गाइस हमको अभी तक नहीं मिला है भाई, अपने पास हर एक चीज़ आ गया लेकिन स्टील का एक्स अभी तक नहीं आ पाया। अभी स्टील का एक्स भी मिल चुका है, तो मैं अभी जाके फटाफट से स्टील का एक्स का तो रेसिपी निकाल लूंगा। टाइटेनियम आर्मर में से अपने पास बूट तो पहले ही आ गया था और मैंने उसका रेसिपी भी पहले ही निकाल लिया था। अभी अपने पास टाइटेनियम का पैंट भी आ गया, तो इसका भी रेसिपी निकाल लेंगे। अभी बचा रहा बस टाइटेनियम का हेलमेट और उसका चेस्ट प्लेट, देखते कब जाके हमको उसका ये दोनों पार्ट भी मिलता है। फिलहाल आज के इस वीडियो पे इतना ही था गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर से बताना। अगर आप लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं उसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।